अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा कादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं 25 फरवरी ट्यूजडे यानी मंगल का दिन है आज। और सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आपका शेयर करना एक नेकी है। आपके शेयर करने की वजह से कई सारे मुस्तहिल यतीमों की असीरों की मदद हो सकती है। और एक बात आपको मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप शेयर करेंगे उसके साथ साथ अगर आप दुआ भी देंगे, अगर कुछ मदद नहीं भी कर सके तो दुआ भी दे सकते हैं, क्योंकि आपकी दुआ भी बहुत बड़े मायने रखती है। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे ऑफिस पर एक आंटी आई है जिनके साथ एक बच्ची है। ये बच्ची के वालदा वालिद दोनों भी नहीं है। वालदा का भी इंतकाल होकर सिर्फ 10 महीने हुआ है और ये बच्ची यतीम है जिनका कोई नहीं है। और ये बच्ची की ताई है जो मेरे पास है। ये लोग गुलबर्गे से मेरे पास आए हैं। गुलबर्गे में क्या है, मिलत नगर गुलबर्गे में मिलत नगर एरिया है, वहां पर रहते हैं ये लोग। और बच्ची की शादी 6 मार्च के दिन शादी है। आप देख सकते हैं ये रुका है बच्ची की शादी का, जो ताई के घर में रहती है लड़की है। 6 मार्च को शादी है। और मैं पिछले 15 दिन से ये लोग मेरे को बोल रहे थे कि मैडम हमको इस तरीके से मदद चाहिए, फर्नीचर का इंतजाम नहीं हुआ, बहुत परेशान है बोल के बहुत रो रही थी इनकी ताई। तो मैं पिछले 15 दिन से पूरी इंक्वायरी कर रही थी, क्योंकि गुलबर्गा जाके इंक्वायरी करवाना, वहां के हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनके कहे के मैंने पूरी इंक्वायरी करवाई है। ये आप देख सकते हैं ये इनकी ताई का आधार कार्ड है और ये लड़की का आधार कार्ड है, वही कर्नाटक का ही चाहिए भी। और ये आप देख सकते हैं दुल्हन की वालदा जो जिसका इंतकाल हो चुका है, ये उनका है, देखिए इनका इंतकाल हो चुका है। और इनके जो हैदराबाद में रिश्तेदार हैं, ये इनका प्रूफ है हैदराबाद के रिश्तेदारों का। ये बच्ची की शादी 6 मार्च के दिन है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि बच्ची की शादी में फर्नीचर का इंतजाम होना है, जो 15,000 रुपए का फर्नीचर है। इस वक्त ये लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि ताई जो है बच्ची को इनके पास ही रखे हुए हैं कई दिन से, और बच्ची की शादी में फर्नीचर का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है। फर्नीचर जो है वो 15,000 रुपए का। आप लोग को तो मालूम है कि अगर आप लोग चाहे तो एक एक चीज भी आइटम दिला सकते हैं, जैसे कि 6,500 रुपए का पलंग है, 3,000 रुपए की अलमारी है, 3,000 का शोकेस है और 2,500 रुपए का ड्रेसिंग टेबल है। तो अगर आप चाहे तो एक एक आइटम दिला सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी आकर पूरा फर्नीचर भी दिलवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आकर पूरा फर्नीचर भी दिलवा सकते हैं। और एक चीज ये है कि बच्ची की जो शादी है वो हैदराबाद में है, तो आप लोग जैसे चाहे जल्द से जल्द इनके लिए मदद दे सकते हैं। ये लोग बहुत दूर से आए हैं कर्नाटक से, तो जितनी जल्दी हो सके इनके लिए मदद होना बहुत जरूरी है। सिर्फ थोड़े ही दिन बाकी बचे हैं और ये मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोग डायरेक्ट भी आकर देना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आकर आप इनको मदद दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलबर्गा से आई हूँ कर्नाटक से, और बच्ची के वालिद भी नहीं है और उनके मम्मी का भी इंतकाल हो गया। ये बच्ची मेरे पास ही रहती 20 साल से। आप लोग मदद करें तो मेहरबानी होंगी आप लोगों की। आप लोगों मुझे फर्नीचर की जरूरत है और बहुत परेशान हूँ मैं, इसलिए गुलबर्गा से या मैडम के पास आई भी हूँ मैं। ये बहन जो है गुलबर्गे से आई है, बच्ची की ताई है ये। तो बस ये चाहती है कि जल्द से अगर बच्ची की शादी में मदद हो जाएगी तो एक बहुत बड़ा नेक और सवाब का काम है। तो आप लोग से जैसे हो सके आप लोग इनके लिए मदद कर सकते हैं, 1,000, 2,000, 3,000 भी करके दे सकते हैं, या फिर कुछ एक एक आइटम भी दिलवा सकते हैं। क्योंकि यतीम बच्ची देखिए, वालदा है ना वालिद है बच्ची के, ये दो बहना थे। एक बहन को इनकी दादी पाले थे जो दादी शादी कर दे चुकी है, एक बहन को इनकी ताई पाले थे, अब ताई बच्ची की शादी कर रही है। तो बस ये चाहती है कि अगर बच्ची की शादी में इंतजाम हो जाएगा तो बेहतर रहेगा, और बराबर आपको ये यतीम बच्ची की दिल से दुआ मिलेगी, बराबर इनकी दुआ आपको लगेगी। खुदा हाफिज़, जय हिंद।